दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा 2022 में खाद्य सुरक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म हम कैसे ऑनलाइन करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपना ई मित्र ओपन कर लेंगे। ई मित्र ओपन करने के बाद एप्लीकेशन टैब सर्विस यहां पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे एनएफएसए। टाइप करने के बाद दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, शहरी और ग्रामीण। जिस भी प्रकार के आप अभ्यर्थी हो उसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर दोस्तों हम अपना आधार नंबर टाइप करेंगे और आगे बढ़े इस पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। उसको दोस्तों हम यहाँ पर टाइप करेंगे। ओटीपी टाइप करने के बाद दोस्तों सही पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके परिवार की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप कॉल पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों आपके आधार कार्ड के द्वारा आपकी सारी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, एड्रेस यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारा एड्रेस आधार कार्ड के द्वारा ऑलरेडी भरा हुआ आएगा। अब दोस्तों सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी सारी डिटेल सेव हो जाएगी। आप ओके पर क्लिक कर देंगे और अगला पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज कुछ आपके सामने इस प्रकार का आएगा। इसमें दोस्तों आपका नाम और मोबाइल नंबर काफी डिटेल पहले से भरी हुई आएंगी। यहाँ पर दोस्तों हम अपना लिंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों संबंध का प्रकार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पिता या पति, इनमें से आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों आवेदक का पिता या पति का नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे और दोस्तों पेज को थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार की श्रेणी आएगी। इसमें दोस्तों अपने आप को सेलेक्ट कर लेंगे जिस श्रेणी में आप एनएफएसए में आवेदन करना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों नोट यहाँ पर हम टिक कर देंगे। तो अब दोस्तों हम अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दोस्तों हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट को लगा देंगे, उसकी एक पीडीएफ बना लेंगे। पीडीएफ बनाने के बाद दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट की एक पीडीएफ बनाने के बाद हम उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर एप्लीकेंट आधार नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम अपना आधार नंबर डाल देंगे और अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको भी यहाँ पर हम दोस्तों फिर से दोस्तों हम उस पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों एफिडेविट तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों अदर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों उस पीडीएफ को अपलोड कर देंगे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म सेव हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका डाटा सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया है। उसके बाद दोस्तों भुगतान पर जाएंगे। भुगतान के लिए बिल जोड़े यहां पर हम क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम एनएफएसए का फॉर्म भर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा। तो वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।